भाई अपनी लेजेंडर लेकर आ रहे हैं, तीन लेजेंडर, सॉरी दो लेजेंडर एक फॉर्च्यूनर यहाँ पे खड़ी हो रही है अभी। भाई क्या लग रही है देगी हो? भाई टाइम हो रखा है 11, मौसम हो रखा खराब, मेरा गला भी हो रखा खराब और तुम भाई का स्ट्रगल देख रहे हो हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। मेरे घर का वाईफाई ना चल रहा, मेरा 4G भी ना चल रहा। भाई हर के घर पे जा रहा हूँ, मैंने पूछी फोन करके, मैं कहा भाई वाईफाई चल रहा तुम्हारा बारिश में? कह रहा भाई बिल्कुल चल रहा। मैं कहा भाई वीडियो अपलोड करने आ रहा हूँ, कह रहा आ जा गाड़ी में बैठ के, अभी आधा किलोमीटर तो घर उनका है, वहाँ जाऊँगा वीडियो अपलोड करूँगा। मैं कहा भाई यो दिक्कत आ गई, क्योंकि मैं अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना चाहता है ना। यो बाहर खोल दिया मैंने गेट, आ रहा है यार मैं हराम ही हूँ क्या? यो सारा गेट बाहर खोल दिया मैंने, अब इसने अंदर करो, यो अंदर की साइड खुला है, आते ओड की साइड, यो कौन है? अरे भाई फोन कर रहा, चल रुको अभी करता हूँ। भाई गाड़ी में बैठ के निकल लिया, बारिश का मौसम हो रहा, सुबह रात तो ही बारिश आ रही मेरे साथ, जब मतलब रात ना 12 बजे से सो जाऊँ मैं तो, भाई बारिश आने लग रही बाहर। मैं कहा चलो कोई बात ना, बहुत बढ़िया बात है, रुक जाएगी। अरे प्लीज जाम मत लगाओ यार प्लीज, यहाँ पर मैं हो जाऊँगा लेट। चलो अच्छा गेट खोल रहा भाई, यहाँ पे जाम भी लग रहा, अभी 12 मिनट रह रही 11 बजने में, 10:48 हो रहे हैं, हाँ मतलब 10:48 हो रहे हैं, 12 मिनट रह रही है वीडियो अपलोड करनी मुझे 12 बजे। मुझे अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी, अगर 12 बजे से लेट हो जाए तो समझ जाना यार हमारा वाईफाई भी स्लो था और बारिश खराब थी, तो प्लीज मुझे माफ कर देना है ना। ये देख लो भाई, भगवान बेचारा की वीडियो अपलोड ना हुआ है। अरे चल ले यार भैया प्लीज। हाँ ये इस ट्रक वाले ने लगा रखा साले, जाओ इसे क्या ही कहूँ मैं ना बेचारा ट्रक वाला। अरे इन पे गाड़ी ना निकाली गई, इतनी ईजी थी निकाटनी, पर चल कोई ना पहुँच लूंगा, अब 1 मिनट में पहुँच जाऊंगा। भाई वीडियो अपलोड कर दिए, देखो तुम अपने भाई की डेडिकेशन देख लो कि वीडियो अपलोड करने में बिल्कुल वो ना रहे। मैं जब गोवा में था ना सुबह सुबह आए करते, हम रात ने पार्टी करके नू समझ ले सुबह 9 बजे आए करते ना, तो उसके बाद भी एडिट करके 12 बजे वीडियो डाल दे करता, तो नू मत सोचना कि एलिस भाई कहीं कमी छोड़ रहा, ठीक है भाग दौड़ में कोई कमी ना। मैं आ लिया उल्टा वहाँ, भाई यार ने मेरे तो रोटी खुआ दी यार, ना घाटा की बात नहीं कर रहा, घाटा तो कुआ में ही मेरे तो यहाँ वजीराबाद में, और रोटी खुआ दी मेरे तो यहाँ मम्मी फेर नू कहेगी तुर साढ़े हर जगह रोटी खा खा जाओ हमारे घर ना खावे। मैं कहा चलो कोई बात ना, अरे किस बात की, अच्छा अभी मेरी जेब में से टू कर रही पीछे थे, फिर प्लाट का गेट खोल दूँ और फिर कर रहे पार कर, फिर घर जाकर थोड़ी सी रोटी और खा ले, मम्मी कब जी खुश हो जाएगा। हैं क्या सीन है? अल्लाह पहले अपना नाक पूछ रहे रिटल मैं तेन बताओ क्या सीन है, मुझे किस बात की डांट मारो आपकी, मैं जगह जगह रोटी खा खा जाऊँ? देखो सुनो मेरी बात, घाटा इज माय सेकंड होम, समझ रहे हो? वे मेरे से ठाड़ते रोटी खुआ के भेजा है, उनका खाली पेट तो हम जाने ना दे, बताओ मैं क्या करूं? तो खाया एक तो बढ़िया है, अपने घर में रोटी ना मिलेगी तूने ना मिले और वहां भी मिले, अब कहां खा का आया? अब तो तनु बहर का खा आया हूं पर खा के तो आया है ना तू हैं, आपने बना दी का? ना बनाई ना, घर में बनाते हैं ना। सब्जी किसकी बन रही है अपने घर में? सब्जी रायता है, जो देख लो, नो नो सब्जी, क्या है सब्जी ना? कौन सी खाटे? एक कितने दिन पुरानी सब्जी को आओ, तब मिलता है दुनिया में ताजा सब्जी को आ रही है और तब मिलता पुरानी सब्जी को, भाई वाह कल की तो है। भाई ऑन कैमरा कबूल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑन कैमरा मम्मी ने कबूल करा कि मम्मी मेरे तक पुरानी सब्जी खाओ, मेरा फूड पॉइजनिंग करवाओगे क्या? अरे सो खेत में उग रहा है हमारा इतना सारा साग, भाई पापा खाते बाढ़ उधर लेकर आवे, भाई हमने वो रखा है, क्या वो रखा है, क्या क्या वो रखा है, नूबी ने पता क्या वो रखा है? पालक मेथी सरसों मूली बहुत सारी, तो हमारे खेत की सब्जी एक्सपायर ना होगी क्या? ना ना फिर बनाओ तो कल की तो बनाए एक। अच्छा तुम सब नु बताइयो कि भाई जो हरी सब्जी हो 2 दिन चल सके ना चल सके? ऐसा कुछ ना है, सब्जी हो चाहे आदमी हो एक ही दिन चले, ठीक है क्या कह रहा हूँ मैं भी बेवकूफ हूँ तो पास बैठती फोड़ दी आँख। ओ यार ये क्या करवा दिया तुमने, कैमरे के चक्कर मम्मी का आँख में लगवा, आँख में लगी है या सिर में लगी है? रुको अभी गाइस वेट, मम्मी के किसी करके मैंने ठीक कर दिया, और वो हाथ लगाने की जरूरत ना ठीक होगी किसी करने तो ठीक हो जाए मैंने मम्मी किसी करके मम्मी को ठीक कर दिया, ठीक है किसी के भी चोट लगा है किसी को मेरे से किसी चाहिए तो मैं ठीक कर सकता है हीलर किसी है हीलर भाई आँख लग गई थी भगवान कसम, पता ना क्या सीन है, रोटी खाने के बाद चाय पी लूँ उस पर चाय के बाद क्या नींद आ जावे, अब तो चलो आँख खुल गई है। नू है ना मेरे जीने का मकसद है कि भाई उठ के मुझे काम धंधा करना है और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं, अक्षर अर्चित भी आ रहे हैं एक बारी, फिर एक बार अज्जू भाई के पास जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा काम एक चीज उठा के लेके आनी है, एक बार मैं नहा लूँ, नहाने का सिस्टम दिखाता हूँ आज का। कहाँ यो क्या है, लाइट क्यों नहीं आ रही तुम्हारे घर के अंदर? पता नहीं आज बारिश की वजह से ना आ रही है, कल भी ना आ रही थी, कल भी सब चीज गलती है लाइट ना आ रही, और एकदम तो चौमा की नींद खोल दी, नींद खोल दी मेरी नींद खोल दी मैं सरकार हूं, ये देख लो सरकार की बातचीत चल रही है, डाल डाल के बेचारी डाल लाल लग रही है गैस पे गाड़ी पानी गर्म कर कर, भाई ये देखो गीजर किसी काम का नहीं, सड़क किसी काम का नहीं, चलो छोड़ो भाई क्या कर सका, नहा लेता हूँ भाई। भाई नहा धो के हम लोग निकल चुके हैं, उस टाइम घर में थोड़े रिश्तेदार आ गए थे इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि वो शर्म भी तो आवे ना मेरे को ब्लॉग करते हुए रिश्तेदारों का आ गए, तो भाई मैं ये अर्चित एंड लक्ष्य हम लोग निकल चुके हैं अज्जू भाई के घर के लिए, मतलब पहुंचने वाले हैं, मैं थोड़ा लेट में भूल गया मैं ब्लॉगर भी तो हूँ, ओ यस तो भाई अज्जू भाई के पास जा रहे हैं, उसके बाद हम उनके घर पे हम एक छोटा सा काम मतलब थोड़ा मनी रिलेटेड काम है वो अपना कंप्लीट करके वहाँ पे फिर जाएंगे हम फरीदाबाद, क्योंकि मेरे को देनी है हॉटस्टार की स्क्रिप्ट, अभी अभी आया फोन की भैया हॉटस्टार के लिए वीडियो दे दो यार, फोन भी तो आते रहे तो मैं पता कितना
कितना काम धंधे वाला आदमी हूँ मैं। अरे तू निकाल ले टैक्सी, कितना काम धंधे वाला आदमी हूँ मैं। तो भाई वहाँ जाएंगे फरीदाबाद भाई के पास, अनूप भाई के पास, और वहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट तीनों भाई मिलकर। तभी चल रहा आज तो, और मम्मी कह रही कि यार फरीदाबाद जा रहा, तो मैंने भी छोड़ दिया। मेरा मामा रहा है ना फरीदाबाद में, तो मामा के दौरे मम्मी ने छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी मामी का कान का ऑपरेशन हुआ है। सारी बातें शेयर भी तो करता हूँ मैं अपनी पब्लिक के साथ। भाई मेरी मामी का कान का ऑपरेशन हुआ है, तो उसके चक्कर में मेरी मम्मी वहाँ पे रुकेगी। एक दिन मेरी स्क्रिप्ट भी हो जाएगी, मम्मी का मिलना जुलना भी हो जाएगा। बट अब मिलाते हैं अज्जू भाई से उनके घर पहुँच के, बस पहुँच गए 2 मिनट के अंदर। तो भाई अज्जू भाई के घर पे आ चुकी है हमारी चाय, मेरी फेवरेट जो चीज़ है यहाँ पे घर पे। ये सार भाई चाय आ गई, ये तो पी बना है, ये आ गई नमकीन चाय। अब चाय का आज ये वो है दिक्कत, इस आज की टेस्टिंग ये है कि क्या पता ये कैसी हो, मतलब मीठी पाएगी नॉर्मल पाएगी। कम मीठा है, कम मीठा, मीठा कम है, मतलब मेरे लिए ठीक है ये। चलो ये लो, कम मीठा मतलब मेरे लिए ठीक है। चलो फिर भी एक बार टेस्टिंग करते हैं इसकी। गरम गरम है अपने लिए ठीक है, मीठा गरम गरम चाय में एक बार मुंह मार लेता हूँ मैं। इसके लिए कम मीठा है और ये परफेक्ट मीठा है, इतना ही होएगा इतना ही होएगा भाई, बेस्ट चाय। भाई निकल चुके हैं सामने, अज्जू भाई की गाड़ी जा रही है इधर अपनी, ये धन्नो, या धन्नो कह रहा, बार बार धन्नो को कह दूं या मेरी डंपर जा रही है। तो भाई सौरभ भाई की गाड़ी मिल चुकी है, उनके पास जा रहे हैं उनको अलविदा कहने, और दो चार चीज जो देनी लेनी है वो करके आ जाएंगे। तो भाई ये मुड़ लिए, दो कहाँ बुला रखा भाई, गोल्फ कोर्स रोड पे बुला रखा है वहाँ। तो उसने भाई ने गाड़ी ढाल ली अपनी, ठीक हो गई होगी फॉर्चुनर। तो भाई अलविदा क्या कहते हैं भाई, अपने उत्तराखंड चले जाएंगे हम, अपने फरीदाबाद चले जाएंगे भाई। ओके गाइस, सौरभ भाई की गाड़ी भी रेडी होकर आ चुकी है, ये आप अपना कैमरा अनबॉक्स करा। अज्जू भाई ने जो कैमरा दुआ है ये देख लो, जो लग रखी थी ना पूरी नई होकर आ गई यार, मेरी तो पुरानी सी लग रही है, दुलवानी पड़ेगी, दुलवानी पड़ेगी, फिर सेम हो जाएगी यो वाली भी। यो वाली भाई यार अभी लेट हो रहे ना, तो ड्रैग रेस करते, ड्रैग रेस में लगवा था टेम्परेरी नंबर चढ़ रखा अभी तो। पर भाई गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है इनकी, 4x4 है। अंदर तो देख लो भाई, अंदर तक मैं अंदर तो घुसूंगा जब ना पूछे भैया ना, सही ना लगे, ये देख लो भाई अंदर तो सेम ही है, तो बस कुछ 4 बटन लगे। तो भाई अपनी लेजेंडर लेकर आ रहे हैं, 3 लेजेंडर, सॉरी 2 लेजेंडर एक फॉर्च्यूनर यहाँ पे खड़ी हो रही है अभी। भाई क्या लग रही है, देखियो अपनी वाली क्या लग रही है, हमारी वाली लग रही है सब में सुतरी, जो खा लिया है आगे वो लगाएंगे ना पीछे जाके, कूड़े कदे घुसेड़ दे मेरी वाली में, मटर भी तो हो जाएंगे फिर। कितना लग चीज लो, इसकी लाइट पीली है भाई, ये है मेरी, ये है अलविश की, और ये है सौरभ की। ये तो सबको पता है। नहीं बात बताओ, नहीं बात ये है कि हम जा रहे हैं कहीं घूमने, देखते विल प्लान सून, कार्ड लोगे ना कार्ड लेना, वीडियो बना रहा हूँ, फोटो खींचते बढ़िया, फोटो बस यही लेना भाई, वन एक्स ले ले भाई, जा रहे हैं ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। साथ में नहीं चल रहे हैं, कहाँ पे नहीं चल रहे, गाड़ी चल रहे हो, छोड़ने जा रहे थे यूटर्न तक, पता नहीं कहाँ तक, यू के एम पी तक, वो बताएगा अज्जू कहाँ गया, तो भाई को छोड़ के आते, छोड़ गए क्यों टेंशन ले रहे हो, तो आओ भाई गैली चल रहे हैं फिर आओ। तो भाई मैं और अज्जू भाई छोड़ने जा रहे हैं सौरभ भाई को, एक बार पूछ लेता हूँ कहाँ तक छोड़ने जाना है भाई, कहाँ तक छोड़ना है भाई को, नुकारा छोड़ने, इसको छोड़ना है टी पॉइंट से राइट करवा देंगे, फिर उसको चढ़वा दूंगा के एम पी पे, ठीक है भाई चढ़वा दो, हम फिर घर ओडी निकले, कहाँ जा रहे हैं, मैं फरीदाबाद निकलूंगा एक बार, कितनी देर में आएगा, कल सुबह मम्मी को लेके जाना है एक बार, ठीक है तो भाई इनते कह दो भाई यार, ठीक है तो भाई गाइस हमको तो निकलना है भाई, हम तो फरीदाबाद निकल रहे हैं मम्मी को लेके। तो भाई भाई अज्जू भाई छोड़ देंगे उनको टी पॉइंट से, पता ना कौन सा टी पॉइंट बता रहा, सच बताऊं तो मैं रास्ता भी ना पता था, कोई बात ना फरीदाबाद मिलते हैं, या फिर फरीदाबाद ही मिलते हैं, चलो पहले बार मम्मी को उठा लेते हैं फिर फरीदाबाद। यो देख लो भाई यहाँ पे नज़ारे चल रहे हैं, कोई दिक्कत, कर्फ्यू वाले दिन चल रहे हैं नज़ारे गुड़गांव में, और वो भाई की आ रही पीछे, ये भाई राइट चले जाएंगे अब इनका, और हमारा सफर यहाँ पे खत्म होता है। बाद में मिलेंगे कभी जब टाइम लगेगा, जब भाईयर को भी और हमको भी, ट्रिप पे चलेंगे गैल। ओके फॉर्च्यूनर्स बाय गाइस, इन धोखेबाजों ने मेरा साथ छोड़ दिया, यो भी जा रहा, चलो इसके तो रीजन है कि पापा का बुखार चढ़ रहा, कोई बात नहीं, इसका क्या रीजन है, इससे रिश्तेदारी नहीं, अब गर्लफ्रेंड के पास जाना होगा, कोई बात नहीं भाई, गर्लफ्रेंड वैसा इसकी तो क्या ही बना है गर्लफ्रेंड। मम्मी आ रही, मम्मा बैठो यार, मम्मी को ले लिया, ये देखो बैठो, ये जा रहे हैं छोड़ के साढ़े, ये जा रहे, ये देखो दवाई आ गई, चलो दवाई ले लो, मम्मी बैठ चुकी है मेरे साथ, मम्मा कैसे थक रहे हो, थक गई दोनों, ने बता दी क्या थक गई, ये दोनों तो भग गए मुझे छोड़ के,
एक मिनट रुको, पहले सामने डिपर मारू, झाड़े निकट रहे हैं। कैसे निकट रहे हैं गाइस? हम निकट रहे हैं फरीदाबाद, मैं और मम्मा। मम्मा को तो जाना है वहाँ पे मामा घर के, क्योंकि मैंने रीजन तुम्हें बता ही दिया है। और मैं जा रहा हूँ फरीदाबाद भाई मलानू भाई के पास स्क्रिप्ट लिखने हॉटस्टार की। तो बस लैपटॉप ले आए, जो तेरा बैग था उसमें अडैप्टर रख के ना। हाँ, मतलब लैपटॉप भी उसी में ही था, लैपटॉप भी उसी में, जो भी था व्हाटएवर यार। गुतलो मेरे से, मेरे से गुतलो, मेरे से वो कर लो जुबान दराजी। तो पूरी तो सुन ले, कर मेरी कम तंग से सुनाओ, पूरी सुनाओ। जैसा था वैसा वैसा उठा ले। ओके डार्लिंग्स, ठीक है। तो भाई फरीदाबाद मिलते सीधा। भाई मास्क नू लगा रखा, लगाना भी चाहिए भाई, क्योंकि पुलिस वाले रोक रहे थे। और वैसे भी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। मैं जब बाहर निकलूँ ना, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता तब मैं मास्क लगाता हूँ, बट अभी तो मैंने कोई ना, चलो मेरे कान पे फिट होगा। मम्मी को मैंने छोड़ दिया, मेरे साइड वाली सीट खाली। अगर किसी लड़की को, सॉरी, अगर किसी को भी बैठना हो भाई मेरे साथ में, तो भाई अपना कोविड टेस्ट की रिपोर्ट ले आना और मेरे को दिखा देना, और फिर उसके बाद डिसाइड। मजाक कर रहा हूँ भाई। अब जा रहा हूँ मैं, अनु भाई यार क्या स्क्रिप्ट लिखना है। अनु भाई ने बनवा रखे, मैंने कहा अनु भाई तेरा फोन करा, यहाँ पे माँ मार के बन रही दाल। मैं कहा दाल ना खाऊ मम्मा। अनु भाई तेरा फोन करा, मैंने कहा अनु भाई भिंडी खाने का तुम्हारी कसम बहुत जी कर रहा। अनु भाई ने पता जुड़ती का भाई चारा देख रहा तुम कितना सलामत है हमारा। नु कह रहा आ जाओ, नु कह रहा पूछता हूँ, नु कही पूछता हूँ। उसके बाद फिर मैंने दोबारा फोन करा, मैंने कि भाई वो तो दो अपना कन्फर्मेशन तो दो, तुमने पता क्या कही। नु कह रहा भाई तुमने एक बार कह दी ना, तो उसके बाद समझ लो कन्फर्म ही है। अनु भाई तुम मेरा दिल जीत लेते हो भाई, अनु भाई जैसा आदमी नहीं देखा मैंने। अनु भाई मजेदार, सेक्सी, एक नंबर भाई चारा जिंदाबाद। तो भाई अनु भाई से मिलवाते हैं, अभी अनु भाई से मिलके तुम पता तुम खुश हो जाते हो और मैं भी खुश हो जाता हूँ। अभी पहुंचते हैं, यहाँ से है 7 मिनट का रास्ता। ओके बाय गाइस। ये अनु भाई आ चुके। अनु भाई यू कैसे कटिंग भाई? अच्छा टोपी पहन रखी है, ऐसा लग रहा भाई भगवान कैसे, मतलब कैसे लग रहे हो, जैसे घर में कूद के चोर भगे ना। नहीं भाई ये मेरा घर है। एक बार भक्के दिखाना चोर की तरिया भाई। अभी भाई आए, मुझे लगा यहाँ अंधेरा हो रखा, मैं यू कैसी कटिंग करवा ली भाई। फिर पता चला वो काला टोपा है अनु भाई के पास। भाई मैं चोर नहीं हूँ, ठीक है, मैं मालिक भाई दिल के चोर हो भाई आप। भाई मैं हाँ तो ये देख लो भाई, अनूप भाई कैसा है, आँच ना हो पा रही क्या? भाई मैं हुक्का ना पिए करूँ ना, इसलिए ना हो रही। हम बहुत हुक्का पी में ये भाई, अनूप भाई को हुक्का बढ़ते हुए देख लो गाइस, ये देख लो आँख बढ़ गया धुआं। कभी ना तुमने देखा जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले रहे ना, कितनी तेज आंधी चल रही हो, वे ना भाई तिल्ली ना बुझंदे। अच्छा भाई यो का आप भी भाई, बारिश आने लग रही है देख लो ऊपर, तुम्हें पता ना चलेगी वैसे तो अभी। और अनूप भाई इसी बारिश में भर रहे हैं हुक्का भाई, वेरी नाइस नाइस हॉस्पिटैलिटी। तो भाई अभी चल रही है फ्रूटी हमारी, और भाई ने बनवा रखी स्पेशल भिंडी। भिंडी तुम पता है कितना शौकीन हूँ मैं भाई, कौन सी भिंडी है, नाम क्या, नॉर्मल भिंडी, मसाला भिंडी, एक वो भी तो होती है मलाई भिंडी, वो यो मसाला भिंडी है। पर भाई यो भी भाई मेरे को स्मेल नहीं आती, सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को तो पता ही है, इसकी स्मेल आ रही है मेरे को, मैं आ रही है माँ कसम। तो इसका मतलब ठीक हो गया आप है ना, इसका मतलब यो इसका मतलब घनी बढ़िया बन रखी है। अच्छा इसका मतलब घनी बढ़िया बन रखी है, ये भाई भिंडी ना, ये दवाई है आपकी। ओके हाँ दवाई है मेरी भाई, से खा के ठीक हो जाऊं, कई बार पूरी स्मेल उल्टी आ जाए। एक बार कही थी अनूप भाई थे और भाई ने गैली बना दी। सो गाइस अनूप भाई घर पे वापस आ चुके हैं, अभी हो रही है बाहर बारिश, बहुत कड़ा मौसम हो रहा है। अभी एक चीज दिखाता हूँ, स्क्रिप्टिंग के लिए भाई आ चुका है एक कॉपी पेन, और यहाँ पे हो रही है अनूप भाई बाहर बारिश हो रही है इसलिए अंदर ही आज कर रहे हैं इसकी हुक्के की। हमारा हुक्का कहाँ गया, यो धरा हमारा हुक्का, आज दिखा दो भाई, यो ले भाई भूतनी की तरह चल के दिखा दो, तांत्रिक की तरह नहीं भाई भूतनी की तरह। तो भाई अभी होएगा सिस्टम पूरा सेट, जिसको ना भाई ठंड लग रही है सीख लो, सीख लो भाई ऑनलाइन सीख लो, ऑनलाइन सीख लो, चोरी है और अपने स्क्रिप्टिंग करेंगे और बढ़िया माहौल बनेगा, मौज आ जाएगी। तो गाइस हम ना, तो भाई अब स्क्रिप्टिंग चालू हो चुकी है और वीडियो को करते हैं यहाँ पे खत्म। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज कर देना, और भी बढ़िया रोज रोज व्लॉग आ रहा है, और एक रोस्ट आ रहा है तुम्हें पता होगा, रोस्ट मैंने स्टोरी डाल रखी थी, रोस्ट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगा नहीं किसका, कोई भी हो सकता है बट थोड़ा नेक्स्ट लेवल आएगा। जय श्री राम जो पीछे लगा रखा है उसको हटा के बनाएंगे, बेस्ट रोस्ट होगा। तुम कहोगे एल्विस भाई मैं सर, मैंने जी कर रहा था रोस्ट करने का, मैं इतने दिन हो गए मैं व्लॉगिंग व्लॉगिंग कर रहा है, मैं कहा चलो रोस्ट कर देते हैं। तो अब आएगा रोस्ट, रेडी रहना, जिसका रोस्ट आएगा वो भी, और भाई तुम भी, तुम्हें मजा आने वाला।